डेरिवेशन ऑफ बॉल एंड पॉइंट आज बेटे हमने पढ़ना है, ये भी एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है बेटे। एलिवेशन बढ़ने को कहते हैं बेटे, एलिवेट हो जाना, बढ़ जाना। एलिवेशन ऑफ बॉल एंड पॉइंट कंसेप्चुअल लेके चलेंगे बेटे, समझ वाली बात हम लेके चलेंगे, फिर लिख भी लेंगे। अभी देख लेते हैं बेटे, बॉल एंड पॉइंट का बढ़ जाना, बॉलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना, तो देखते हैं बेटे बॉलिंग पॉइंट का इंक्रीज, बॉलिंग पॉइंट कैसे होगा, क्या वजह होगी। दो तीन लफ्ज आपने जरूर पहले याद रख लेने। पहला कंसेप्ट याद रखना है कि बेटे बॉलिंग पॉइंट का ताल्लुक, बॉलिंग पॉइंट का ताल्लुक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से होता है। सॉल्यूशन फॉर्म में बेशक हो बेटे, और अगर किसी का वेपर प्रेशर कम हो जाए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और आपको याद में दिला रहा हूं कि बेटे जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, ये ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का होता है कम। अब मुझे बताओ ना, जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ये दूसरी बात हो गई। और कर लो बेटे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है, जब कभी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा फिर? फिर बेटे वो बॉइलिंग पॉइंट उस वक्त होता है। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? आता है जब वेपर प्रेशर लीक होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मैंने नेक्स्ट बात ये लिखी है बेटे, और याद रखिएगा, अगर बेटे किसी का डेल्टा पी ज्यादा हो जाए, चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? उतना बेटे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगी, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा। चलो ऐसे कह लेते हैं। और बेटे इसको जाहिर कैसे करते हैं? इसे बेटे डेल्टा टी बी से जाहिर करते हैं। इस डेल्टा टी बी कौन होता है बेटे? ये असल में दो चीजों की फर्क होता है। या तो मैं लिख रहा हूं बेटे टी टू माइनस टी वन, या मैं लिख रहा हूं, ऐसे भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, उसमें से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेपर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता होगा ना? अगर ये ज्यादा है तो तब ही उसमें से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आप सब्ट्रैक्ट करके जवाब निकालोगे ना। मैंने टी बड़ा लिख दिया, तो ऊपर वाला टी टू भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये याद आपने रखना। और जितना बेटे डेल्टा पी ज्यादा हो जाएगा, जितना बेटे डेल्टा पी ज्यादा हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उतना ही उसका बेटे डेल्टा टी बी ज्यादा हो जाए। यानी कि किसी का वेपर प्रेशर पहले बेटे 100 था, वो 80 से 80 हो गया, तो फिर बेटे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। एक का 50 हो गया और बढ़ जाएगा, एक का वेपर प्रेशर और कम हो गया 30 हो गया और बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जितना वेपर प्रेशर में कमी आती चली जाएगी, जितना वेपर प्रेशर में कमी आती चली जाएगी। ये है कुछ बातें बेटे जो आपके सोचने की हैं। अगर आप इसको सोच लोगे फिर आपको सारा टॉपिक ही समझ आ जाएगा, फिर सारा टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब असल की बात की तरफ आते हैं जो हमारी बुक कहती है। इन अ सॉल्यूशन ऑफ, किसके सॉल्यूशन में? इन अ सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल ना उड़ने वाला नॉन
बात बेटे मैं कर रहा हूं, सल्यूट इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, इन ए वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्वेंट में, वोलाटाइल उड़ने वाला सॉल्वेंट बेटे, वेपर प्रेशर रखने वाला सॉल्वेंट में, जिसका मतलब ऐसा सॉल्वेंट भी हो सकता है जिसका वेपर प्रेशर ना हो बेटे, बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, लेकिन हम अच्छा ले रहे हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट कह रहे हैं। इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, ना उड़ने वाला, ना आयनों में तकसीम होने वाला, और सल्यूट किस में बेटे, सल्यूट बेटे हल होने वाला किसके अंदर, इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट में क्या हो जाता है बेटे, द बॉइलिंग पॉइंट किसका बेटे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन केदा भी कह सकते हो, मैं पूरी बात लिख रहा हूं, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इंक्रीज, बेटे सॉल्यूशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, दिस इंक्रीज, ये जो बढ़ जाना है, दिस इंक्रीज इन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना है, इज कॉल्ड एलिवेशन, बढ़ जाना ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कहते हैं, उसे एलिवेशन बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना कहते हैं, गौर कर लो बेटे, उसे बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना बेटे कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटे इसको जाहिर कैसे करते हैं और ये किसके बराबर होता है, उसकी बात भी बेटे हम कर लेंगे, तो और करिएगा बेटे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे जाहिर किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा डेल्टा टी बी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये किसके बराबर होगा बेटे, डेल्टा टी बी अपनी बुक के मुताबिक बेटे टी टू माइनस टी वन, ये कौन है बेटे डेल्टा टी बी, ये असल में है बेटे डेल्टा टी बी, वेयर डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू बेटे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होना या बेटे एलिवेशन एलिवेशन होना T2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का, इसे T अकेला भी देखते हैं ऊपर मैंने कहा भी है, और T1 बेटे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका बेटे, ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, फिर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता होगा बेटे, ये देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसको बेटे वाजे करना है, कुछ डेरिवेशन से करते हैं फिर ग्राफ आप देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन की तरफ दो तरह से एक्सप्लेनेशन हमने करनी है, एक तो हमने करनी है बेटे क्वांटिटेटिवली मिकदार देखनी है बेटे, और एक हमने देखनी है ग्राफ की मदद से, देखते हैं बेटे, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो बेटे बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की किसके अंदर बेटे, इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द मोलैलिटी बेटे, मोलैलिटी कंसंट्रेशन का यूनिट है, स्मॉल एम से उसे जाहिर करते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर मिकदार को जाहिर करने का यूनिट है मोलैलिटी, छोटे एम से उसे जाहिर करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है छोटे वाले एम के, छोटे वाला एम कौन है बेटे, छोटे वाला एम है मोलैलिटी,
छोटे वाला एम कौन है? मोडालिटी। मोडालिटी क्या होती है बेटे? मोडालिटी क्या चीज होती है उसको पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर लूं बेटे। मोडालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल होते हैं, सल्यूट के मोल होते हैं किसके अंदर बेटे? केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में किसको मोलैरिटी कहते हैं? डेफिनेशन है ये, वैसे तो लाइनों में लिखनी चाहिए लेकिन हमने ये शॉर्टकट बना दी बेटे। अब मुझे बताएं कि मोल किसके हैं? सल्यूट के। तो अगर मैं बेटे इसी एम को दोबारा लिखूं, क्या लिख दूं? सल्यूट का वजन ऊपर ले लूं, गौर करना बेटे, मैं ये मोल ऊपर ले रहा हूं बेटे, मैंने मैस ऑफ सल्यूट लेके इसी के बेटे मॉलिक्यूलर मैस पे डिवाइड कर दिया, मुझे बताओ ये क्या बन गया? ये तो मोल बन गया बेटे। अब नीचे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लाइन लगा रहा हूं फिर बेटे, और नीचे मैं किलोग्राम की बजाय क्या लिख रहा हूं? ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और उसको बेटे मैं डिवाइड कर रहा हूं 1000 पे, 1000 पे। अब मुझे जरा बताना बेटे, यही एक तरीका है आसान करने का, तो मैंने सिंपल करने के लिए सारा कुछ किया। तो मुझे बताओ बेटे इसको देख के, क्या अभी भी ऊपर वाला फार्मूला इंटैक्ट है या खत्म हो गया? बेटे ऊपर भी मोल ही है, मैस ऑफ सॉल्यूट और मोलर मैस मोल ही होता है, और नीचे वाला ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये कौन होता है? ये भी तो बेटे हमारे पास किलोग्राम ही बना ना, तो मैंने डिवाइड भी उसे कर दिया। अब मैं इनको बेटे नंबर दे रहा हूँ ताकि बुक से भी हम मिल जाए, किताब से मिल जाए, तो मैं उनकी जगह पे कुछ चीजें लिखने लगा बेटे। एम की जगह पे मैंने क्या किया? एम ही रहने दिया, लाइन भी मैंने लगा ली है बेटे, और सल्यूट को मैंने क्या किया? डब्ल्यू टू ऊपर लिख दिया, सल्यूट को टू कहते हैं ना। नीचे क्या लिखा? उसका मॉलिक्यूलर मैस भी एम टू लिख दिया। नीचे क्या किया बेटे? ग्राम ऑफ सॉल्वेंट थे तो बेटे मैंने इसका डब्ल्यू वन लिख दिया, क्योंकि सॉल्वेंट वन लिखते हैं, और 1000 पे डिवाइड कर दिया। अब बेटे इसको करो रीअरेंज, मेरे पास जवाब आ गया बेटे एम इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटे? डब्ल्यू टू ओवर एम टू। और हर चीज आपने खुद देखनी है, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को अगर मानते हुए मैं हल कर रहा हूँ करेक्ट है, नहीं तो करेक्ट नहीं है। और बेटे ये फिर हमारे पास जवाब आ गया डबल वन। मुझे बताओ क्या एम की वैल्यू आ गई? एम की वैल्यू हमने ढूंढ ली। अब मुझे आपने बताना फिर पीछे आ गया जरा, क्या आपने कहा था कि डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है? कहा हुआ हमने। तो बेटे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जरा देखना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और एम। के बी कौन है बेटे? आप ये पढ़ चुके हो, इसका नंबर मैंने वन दे दिया। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, अभी भी उसको पे कांस्टेंट पड़ा था, ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी की वैल्यू पुट करो, पुटिंग द वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करो? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम, एम को पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो किसके अंदर बेटे? इन एक्सप्रेशन वन, किसके अंदर पुट करो? वन के अंदर हुई है हमारे पास ये चीज आ जाएगी। वन कौन सी इक्वेशन थी? वही वाली डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम वाली, वहां करो ये वैल्यू पुट, ये सारी वैल्यू एम की जगह में पुट करो। देखो बेटे मैंने क्या किया, डेल्टा टी बी लिख लिया और के बी भी लिख लिया बेटे। अब मैंने एम की जगह पे क्या लिखा, जरा ध्यान करना बेटे, एम की जगह पे मैंने ये चीज लिखी है, जरा ध्यान करिए, क्या वही चीज लिखी है जो हमने की थी बेटे? ड्राइव की थी, डब्ल्यू टू लिखा होगा, एम टू लिखना है, और बेटे एन टू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन, तो ये हमारा देख लो एम की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। क्या इसमें से एम टू ढूंढा जा सकता है बेटे? ये वाला एम टू का पता किया जा सकता है? मैं थोड़ा सा बड़े साइज का लिखने लगा हूं एम टू, ये देखो बेटे मैंने एम टू लिख दिया है,
किधर ले गया हूं, नीचे से ऊपर ले गया हूं, इज इक्वल टू। अब आपने देखना है कौन कौन सी चीजें हैं बेटे, के भी मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिख दिया, और बेटे नीचे लिख रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं डेल्टा डेल्टा टी बी से, डेल्टा टी बी नीचे डेल्टा टी बी लिख दिया। अब जरा गौर करो बेटे, और ऊपर कौन सी चीज आनी है वो भी देख लेते हैं। डब्ल्यू टू आएगी ऊपर कि नहीं आएगी बेटे, डब्ल्यू टू मैंने ऊपर लिख दिया, थाउजेंड भी ऊपर लिख दिया बेटे, थाउजेंड भी मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे क्या रह गया बेटे, और नीचे रह गया बेटे W1। अब गिनती करनी होती है कि सारी चीजें हैं कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखना होता है सही तरतीब भी है, M2 ऊपर आना चाहिए ठीक है, डेल्टा टी भी नीचे आना चाहिए ये भी ठीक है, के भी W2000 ऊपर आना चाहिए, और बेटे नीचे डेल्टा टी भी के साथ W1 आना चाहिए। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटे, इस एक्सप्रेशन से हम बेटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बेटे ढूंढ सकते हैं। इसका नंबर मैंने 2 दे दिया। द एक्सप्रेशन 2, जो एक्सप्रेशन बेटे 2 है, कैन बी यूज्ड, एक्सप्रेशन 2 कैन बी यूज्ड, उसे यूज किया जा सकता है किस काम के लिए, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, किसको डिटरमिन करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास, टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास बेटे, डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास, ताकि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, ऑफ अननोन सॉल्यूट, वो सॉल्यूट बेटे जिसका हमें पता ही नहीं है कौन है, उसका बेटे हम मॉलिक्यूलर मास पता करने में कामयाब हो जाते हैं। इन एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 के अंदर क्या है बेटे, इन एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 में क्या है बेटे, गौर करें, M2 कौन है, एक्सप्रेशन 2 के अंदर M2 कौन है इसके बारे में बताना है बेटे। दूसरे नंबर पे हमारे पास K भी क्या है इसके बारे में बताएंगे, डेल्टा T भी कौन है इसके बारे में बेटे बताएंगे, W2 हम बताएंगे कौन है, और बेटे बताएंगे W1 कौन है, ये चीजें हम बताएंगे। देख लो बेटे, M2, KB, डेल्टा TB, W2, W1, 1000 तो है ही, वो तो ज़्यादा है, हमने वैसे कन्वर्शन ग्राम की किलोग्राम में की थी 1000 पे डिवाइड करके। ये कौन है बेटे, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है ना, और बेटे ये कौन है, मोलर, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट का, और बेटे ये कौन है, इंक्रीज या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो गया था बेटे, और ये क्या है, मास ऑफ, किसका मास है बेटे, ऑफ सॉल्यूट, वजन भी, वेट भी कह सकते हो, वेट भी कह सकते हो, और बेटे ये कौन है बेटे, मास ऑफ ऑफ सॉल्वेंट, W1 सॉल्वेंट का मास होता है बेटे। अगर ये चीजें हमारे पास बेटे टोटल अगर गिनती आप करें तो वैल्यूज की 1000 को छोड़ के 5 है, पांचों में से 4 एग्जामिनर हमें दे दे, 4 हमें दे दे, पांचवी हमसे भी डिमांड कर ले बेटे, हम भी बता देंगे कि क्या आंसर हमारे पास बेटे आता है, तो गौर कर लेंगे। ये सारे का सारा फार्मूले पे हम मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं बेटे, ये किसका कर सकते हैं, इधर जरा देखना, किसका पता किया जा सकता है, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का, इसका हम पूरे कॉन्फिडेंस से बेटे पता करके दे सकते हैं। ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन बेटे आ गया, ये वाले को आपने सारे को कंसीडर करना है, समझना है, समझने के लिए लिखा है, ये वाला अलग है बेटे, ये आपने समझना है, इसको गौर करना है, ये अलग चीज है, ऊपर वाली अलग चीज थी, फिर ये अलग है, फिर इसी की वैल्यू को वहां हमें की जगह आपने पुट किया था बेटे, वो आपको नजर भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं बेटे इसी एक्सप्लेनेशन को ग्राफ की मदद से, हम देख लेते हैं
ग्राफ की मदद से हम इसकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ग्राफ, ग्राफ वाला तरीका, ग्राफिक एक्सप्लेनेशन, वजाहत। दो चीजें आप जरा चेक कर लेना बेटे, और अगर आपको वो दो चीजें समझ आ गई तो सारा ही समझ आ जाएगा। देखते हैं क्या बेटे। मैंने एक लाइन लगा ली वाई एक्सिस वाली, और एक मैंने लगा ली है बेटे एक्स एक्सिस वाली। एक्स एक्सिस पे बेटे मैंने टेम्परेचर दे दिया, और इधर को इंक्रीज कर रहा है लेकिन, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या कर लिया बेटे, वाई एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर ले लिया, वीपी ले लिया, और वो इधर को इंक्रीज बेटे कर रहा है, वेपर प्रेशर इधर को इंक्रीज कर रहा है वाई एक्सिस पे। और एक हमारे पास बेटे लाइन है, ये वाली लाइन बेटे, ये वाली लाइन कोशिश करनी है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, देख लेना बेटे। इसको आपने डॉटेड कर लेना है। ये कौन सी लाइन है, ये बेटे आपने कहना है कि एक्सटर्नल प्रेशर वाली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है। और याद रखना है वो चीज कब उबलती है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ये ध्यान करना है, ठीक है जी। अब किस टेम्परेचर पे हमने शुरू किया, ये खास टेम्परेचर पे हमने शुरू किया, तो पता चला कि उस वक्त ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, ये कौन है, ये बेटे पी नॉट है, और उसी टेम्परेचर में हमने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा, उसी पे, उसी में रखना ऐसे सीन, उसी पे देखा तो पता चला कि ये वाला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्वेंट का ज्यादा वेपर प्रेशर है उसी टेम्परेचर पे, देख लो शक, इस टेम्परेचर पे बिल्कुल ऊपर है वो नीचे, टेम्परेचर एक है, इसका मतलब सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसका बेटे, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। नाम उसका मैं आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक रख देता हूं, ताकि आपको बताना या आपको समझना आसान हो जाए। तो बेटे ए और सी इसका नाम उसने रखा हुआ है, इसका नाम उसने सी रखा हुआ है, ए रखा हुआ है, और इस पॉइंट का नाम उसने रखा हुआ है सी। अब मैं ये दोनों मिटा रहा हूं, ये अब आपको समझ आ गई, इसलिए मिटा दी। ये बताओ बेटे, मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे टेम्परेचर मैं बढ़ाता जा रहा हूं, देखो क्या बेटे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, ये बेटे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जिसका मैंने रेड ग्राफ बनाया हुआ है। पहले बेटे टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इधर पॉइंट्स लगा लगा के हम जोड़ते होते हैं ना बेटे, एक वक्त आ गया उसने जाके क्या किया बेटे, उसने ऊपर वाली लाइन को जाके टच कर दिया, जैसे ही इसको टच किया इसका नाम हमने बी रख दिया। इस जगह पर क्या हुआ बेटे, इस जगह पे बेटे, इस पॉइंट पे क्या हो गया है, हमने कहा इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो गया है, इक्वल हो गया है किसके बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, मुझे बताओ इस जगह पे सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, शुरू हो जाएगा बॉयल होना। हमने क्या किया, जहां वो बी पॉइंट था ना बेटे, हमने वहां एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन लगाई, जहां ये टच कर दिया वहां नाम लिख दिया, ये हमारा टी वन है, टी वन का मतलब ये है ये सॉल्वेंट का बॉयलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी वन है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये टी वन जाहिर कर रहा है बॉयलिंग पॉइंट, बॉयलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को। बेटे गौर कर लो, हमने कहा है जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस वक्त उसका नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटे हमने क्या किया, हमने बेटे ये
टेम्परेचर सोल्यूशन का बढ़ाना शुरू कर दिया, सोल्यूशन का बेटे बढ़ाते गए बेटे, और हमने इसके भी पॉइंट उसी तरह बनाए हुए थे ना बेटे, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के, और उन नुकतों को बाद में जोड़ा होगा यकीन, उन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया होगा बेटे। हमने देखा कि पॉइंट डी के ऊपर क्या हो गया बेटे, इस जगह पे डी पॉइंट, ये जो जगह ये वाली डी के ऊपर नहीं, इधर नुकते पे, इस नुकते पे बी नुकता है, तो क्या है बेटे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसका मतलब है इस टेम्परेचर पे सोल्यूशन बिगन टू बॉयल, इस टेम्परेचर पे सोल्यूशन उबलना शुरू हो गया। अब बेटे हमने इसका भी लाइन लगा ली बेटे, किसकी भी लाइन लगा ली, किस टेम्परेचर पे आएगा, तो सारे टेम्परेचर लिखे होंगे ना इधर, तो इसका नाम हमने रख दिया T2। ये T2 कौन है, हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ गया या कम हो गया बेटे। पहले बॉइलिंग पॉइंट इधर था, अब बॉइलिंग पॉइंट आगे गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इन दोनों का फर्क निकालते हैं, दोनों की जब वैल्यू हमारे पास होगी, इस फर्क को, इस डिफरेंस को डेल्टा टी भी कहते हैं, इस फर्क को डेल्टा टी भी कहते हैं, ठीक है बेटे। अब मुझे आपने चंद बातें जो है वो बतानी है, वो गौर कर ले, चलो इसकी डिटेल में मजीद नहीं हम जाते, मुझे सिर्फ दो तीन लेवल बता दो बेटे, बताओ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या सॉल्यूशन का, पहली बात बेटे सॉल्वेंट का, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कहीं मैंने बताया होगा आपको कि वेपर प्रेशर कम हो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कब बॉइलिंग होती है, ठीक है। अब मुझे बताएं बेटे ए बी कर्व किसको जाहिर करता है, खुद भी लिख सकते हो, सी डी किसको जाहिर करता है, पॉइंट बी किसको जाहिर करता है, पॉइंट डी किसको जाहिर करता है, टी वन किसको जाहिर करता है, टी टू किसको जाहिर करता है, आप खुद भी बता सकते हो, जब ये सारी चीजें आपने बेटे आपको पता होगी तो आप एक्सप्लेन इसको कर सकोगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा, मेरे ख्याल आप ए की फिक्रे पे फोकस करोगे कि बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन में कमी आ गई, वेपर प्रेशर कम हुआ था इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था बेटे, वेपर प्रेशर कम ना होता बॉइलिंग पॉइंट ना बढ़ता। थैंक यू बेटे।